बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली से आ रही रक्षा मंत्री से मिले सीएम तीरथ सिंह रावत। बड़ी खबर आपको बता दें, दो दिन के दूसरा दिन है आज इस दौरे का, जब सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली में मौजूद हैं। तीरथ सिंह रावत ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, राजनाथ सिंह से सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बातचीत हुई है। सीएम की और रक्षा मंत्री के दरमियान पलायन रोकने को लेकर भी बातचीत हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने को लेकर भी चर्चा दोनों के दरमियान हुई है। मुलाकात कर निकले तीरथ सिंह रावत, बिपिन रावत से भी मुलाकात होने वाली है। राहुल डबास ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल डबास, पूरा अपडेट। और इस बैठक से पहले तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा समय राजनाथ सिंह के साथ बैठक हुई, और जिसमें उम्मीद ये की जा रही है, हालांकि मुख्यमंत्री का भी औपचारिक बयान नहीं आया है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है और जिस तरीके से चाइना की गतिविधियां हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास भी ठीक उसी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है जैसे नॉर्थ ईस्ट के आसपास है, तो इसलिए संभावना ये है कि चाइना को लेकर किस तरीके से हमारे प्लान है, राज्य सरकार कैसे जमीन अधिग्रहण करके दे सकती है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो हमें बीआरओ की सड़कें बनानी हो तो उन सब चीजों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कैसे किया जाए, कैसे टेलीकॉम सेवाएं दी जाए और पलायन पर रोक लगाई जाए, इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत की गई है। और साथ में ये भी कि जितना संभव हो उतना जो सेना के भर्ती मेले होते हैं उनका आयोजन भी किया जाए, ताकि उत्तराखंड वासियों को युवाओं को रोजगार मिल सके, क्योंकि मौजूदा स्थिति में कोरोना की वजह से पिछले एक साल में टूरिज्म सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है, और ये इको टूरिज्म हो जो बड़े जंगल है या फिर कुंभ का मेला हो, इसकी वजह से बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर मिल नहीं पाए। ऐसे में कोशिश है कि जितना संभव हो पलायन पे रोक लगे और जहां से हो सके वहां से रोजगार के अवसर मिले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल डबास इस तमाम जानकारी के लिए।